जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनवर शुक्ला और हमारे चैनल इंजीनियरिंग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि अभी लोगों का सरकार का ऑर्डर है कि सभी लोग आप 14 अप्रैल तक घर में रहिए, तो घर में ही रहिए ताकि इससे जो है आप ही लोगों को फ़ायदा है। तो हमारे हित के लिए जो कुछ किया जाता है हमारे हित के लिए होता है, तो कृपया आप लोग घर में ही रहें, ठीक है। तो आज हम लोग समय का बर्बादी ना करते हुए बीटा और गामा फंक्शन का डेफिनेशन और बेसिक सीखेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन क्या होता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत दिक्कतें होती हैं और जैसा कि हमारे पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है और मैं बहुत सारी वीडियो डाल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। और हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि सारा ही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2 एंड आने वाले समय में जितनी भी मैथमेटिक्स की सीरीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट कर दूँ मैं इसी चैनल में। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो पहले समझ लेते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं, इफ़ एन इज़ पॉजिटिव देन द डेफिनेट इंटीग्रल देन द डेफिनिट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 to ∞ e to the power -x x to the power n-1 dx इज द फंक्शन ऑफ n इज कॉल्ड गामा फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय गामा एन एंड रीड एज गामा एन, ठीक है। तो जो डेफिनेशन जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर कोई भी नंबर n है और वो पॉजिटिव है तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है i इज इक्वल टू 0 to ∞, ध्यान देना i इज इक्वल टू 0 to ∞, यही एक पहचान है गामा फंक्शन की कि क्वेश्चन जो है हमारा गामा फंक्शन से ही होगा। लिमिट जो होगी वो 0 to ∞ होगी, उसमें एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e to the power -x कुछ भी हो सकता है और ये माइनस मस्ट है। ये इसका जो x का वेरिएबल है वो यूनिक होना चाहिए e to the power -x, और ये जो x है उसकी पावर n-1। तो ये जो फंक्शन कहलाएगा, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमारा गामा फंक्शन कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं गामा n और रीड करते हैं गामा n, ठीक है। तो यही था हमारा गामा n की डेफिनेशन। अब अगर हम ठीक से देखें कि अगर हमें गामा वन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर हमें गामा वन निकालना है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो गामा वन ऐसे होगा 0 to ∞ e to the power -x x to the power 1-1 dx, ओके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 to ∞ e to the power -x x to the power 0 becomes 1 dx। e to the power -x का इंटीग्रेशन होता है -e to the power -x 0 to ∞। जब लिमिट डालेंगे तो ये बन के आएगा -e to the power ∞ और माइनस माइनस प्लस हो गया +e to the power 0, ये तो 0 होता ही है, एंड e to the power 0 becomes 1। तो गामा 1 हमेशा 1 होता है, ये एज अ रिज़ल्ट होगा हमारा, ठीक है। तो गामा 1 हमेशा 1 कहलाएगा, वो ये एक रिज़ल्ट के तौर पे इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो गामा फंक्शन को पहचानने के लिए हमारे पास एक क्ल्यू है, लिमिट 0 to ∞ होगी और उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जिसमें e to the power -x मस्ट होगा, यानी कि जो x का वेरिएबल होगा वो हमारा यूनिक होगा और माइनस साइन मस्ट है। जो यहाँ लिखा होगा उसकी पावर n-1 होगा, यानी कि ये n-1 में ही होना चाहिए। तो ये हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, गामा फंक्शन। वो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो गामा फंक्शन से ही होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने गामा n निकाला,
अब अगर हमें गामा एन प्लस वन निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे, तो 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन की जगह एन प्लस वन एंड माइनस वन डी एक्स, ये वन से वन कट गया, ये आया 0 to ∞ ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स। इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू होती तो हम लोग बाई पार्ट्स को डायरेक्टली कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स से हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं इसमें, तो गामा एन प्लस वन जो आएगा, तो गामा एन प्लस वन जो हो जाएगा वो 0 to ∞ अगर इंटीग्रेट करेंगे इसको बाई पार्ट्स, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर एन सिक्स। मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन जो होता है वो पहले फंक्शन को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा सा लगाएंगे पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड जे डी एक्स एंड होल का डी एक्स, ठीक है, ये होता है हमारा बाई पार्ट्स का रूल होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0 to ∞ प्लस एन 0 to ∞ एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, जब इसमें सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल एन ही निकल के आएगा, ठीक है, और ये हमारे पास ये हो गया जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मतलब ये तो ज़ीरो हो जाना है क्योंकि जब इनफाइनाइट डालेंगे तो ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट ज़ीरो हो जाना है, जब इसमें जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, 0 to ∞ तो ये आएगा एन ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब ठीक से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ हमारा गामा एन है, तो एन गामा एन लिख सकते हैं इसको, तो गामा एन प्लस वन जो आया वो आया एन गामा एन, ठीक है। अब अगर ठीक से ध्यान अगर कोई दे रहा हो तो इसमें एक चीज़, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब गामा एन प्लस वन आ रहा है तो एन गामा एन आ रहा है, यानी कि एन प्लस वन है तो यहाँ एन आ रहा है, यानी कि एक उससे कम, गामा एन प्लस वन एन गामा एन। अब अगर हम ठीक से देखें तो एन को क्या ले सकते हैं, एक कम क्या होगा, इट बिकम्स एन माइनस वन, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन ले सकते हैं, गामा एन माइनस वन को ले सकते हैं एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, सॉरी दिस इज एन माइनस टू गामा एन माइनस टू, इसी तरह से ये सीरीज़ चलती जाएगी, ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज़ चलती जाएगी, तो एक समय आएगा जब हमारे पास एक नंबर्स आने लगेंगे, कैसे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डेट डेट डैस 3.2.1 गामा वन। अब ये वन गामा वन क्या होता है, गामा वन क्या होता है, वन ही होता है, ठीक है, तो अगर ठीक से देखा जाए तो ये n फैक्टोरियल बन रहा है, फैक्टोरियल यूज़, जैसे 5 फैक्टोरियल निकालता है तो 5, 4, 3, 2, 1 यही तो होता है। तो ये जो गामा n प्लस वन आया, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो गामा n प्लस वन आया इसको हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट हमारा ये वाला था, दूसरा रिजल्ट ये था एंड तीसरा रिजल्ट ये है। तो गामा n जो है वो हमारा e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, ये होता है, और फिर गामा वन की वैल्यू वन होती है। दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने देखा गामा एन प्लस वन जो होता है वो एन गामा एन होता है। गामा एन अगर हम सेकंड रिजल्ट से देखें, बाय सेकंड गामा एन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एन प्लस वन अपॉन गामा सॉरी एन के वन, तो ये हमारा चौथा रिजल्ट हो गया। अब मैं इसको समराइज़ करने जा रहा हूँ, तो गामा फंक्शन पहचानने के लिए हमारे पास एक क्ल्यू होता है, कौन सा क्ल्यू होता है, कि लिमिट हमारी 0 to ∞ होनी चाहिए, उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा जिसका कोफिशियंट या किसी के इसका कोफिशियंट वन होगा और उसकी पावर होगी उसका कोफिशियंट वन होगा और माइनस का साइन लगा होगा, और जो यहाँ कोफिशियंट है उसी की पावर एन माइनस वन डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एन इज कॉल्ड गामा फंक्शन। गामा वन वन होता है, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, और गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल भी होता है। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और अगले लेक्चर में हम लोग बीटा फंक्शन पढ़ेंगे, लेक्चर में बीटा और गामा का रिलेशन, उसके अगले लेक्चर में हम लोग दोनों तीनों लेक्चर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें और घर में ही रहें, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।